बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस LMS वीडियो ट्यूटोरियल में हम वीकली लेसन प्लान अपलोड करना और एडिट करने के बारे में सीखेंगे। इस पर्पस के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन के टैब पर क्लिक करेंगे। देन अंडर द कॉन्फ़िगरेशन टैब आपने लेफ्ट साइड से कोर्स पोर्टफोलियो जो अंडर एकेडमिक्स आपको मिल रहा होगा उस पर आपने क्लिक करना है। मेक श्योर कि आप कॉन्फ़िगरेशन के टैब पर हों। देन आपने जिस कोर्स के अंदर चेंजेस परफॉर्म करनी है यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो है वो आपके पास शो हो रही होगी, तो आप यहाँ सर्च बार में उस कोर्स का नाम लिखेंगे तो ये आपके पास कोर्स आ जाएगा। मैं इस कोर्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कोर्स का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। देन मैं एडिट के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरे पास ये कोर्स कॉन्टेंट की ऑप्शन अवेलेबल है। मैं अपलोड कंटेंट पे जाऊंगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके थ्रू एक टेम्पलेट जो है एक्सेल की वो डाउनलोड होगी। मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और ये एक्सेल की टेम्पलेट जो है वो मेरे पास डाउनलोड होगी। मैं इसकी लोकेशन बता दूंगा जहां मुझे सेव करनी है और ये सेव हो जाएगी। देन आप इस टेम्पलेट को ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से ओपन होगी। आप यस करें और ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। अभी क्योंकि इस कोर्स के अंदर पहले से ही यहाँ पे लेसन प्लान के कंटेंट जो है वो अवेलेबल थे, इसीलिए मुझे यहाँ पे इस एक्सेल की फाइल में जो करंट फील्ड्स ऐड थी वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। मैं इनको अपडेट करूँगा और अपडेट करने के बाद अपनी फाइल को सिलेक्ट कर दूँगा। तो जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी उसके अंदर मैंने चेंजेस परफॉर्म कर दी हैं। अब मैं सिंपल इसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे सिलेक्ट करके। देन मैं वैलिडेट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक इशू आ गया है कार लोड के थ्रू रो नंबर 15 के अंदर CLO डज नॉट मैच स्ट्रीम ऑफ स्टडी CLO डाटा इनकंसिस्टेंट। तो अभी हम इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ से अब हम कोर्स आउटलाइन पे जाएंगे, सॉरी कोर्स आउटकम्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 CLOs शो हो रहे हैं जबकि मेरी इस लिस्ट में मेरे पास टोटल जो CLOs यूज़ हुए हैं वो 4 तक है। ये मुझे इशू आया है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था अंडर स्ट्रीम ऑफ स्टडी जब हमने CLOs अपडेट किए थे तो वो सिर्फ उसी स्ट्रीम ऑफ स्टडी के लिए थे, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आपने कोर्स पोर्टफोलियो में जाके वो CLOs अपडेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे कोर्स कंटेंट अपडेट करने का फ़ायदा ये है जब आप नेक्स्ट टाइम क्लास प्लानिंग करेंगे ऑटोमेटिकली उस क्लास में भी वही कंटेंट इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप एकेडमिक्स के टैब में जाके स्ट्रीम ऑफ स्टडी के अंदर जो आपने क्लास प्लान की होगी जिस इनटेक के लिए उसमें चेंजेस करेंगे तो वो सिर्फ उसी इनटेक के लिए ही वो चेंजेस एप्लीकेबल होंगी। तो मुझे अब यहाँ पे पहले CLOs भी ऐड करने पड़ेंगे, तो पहले मैं CLOs अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे CLOs अपडेट कर दिए हैं। अब मैं कोर्स कंटेंट के टैब पे जाऊँगा और यहाँ से अपलोड कंटेंट्स पे क्लिक करूँगा। देन अगेन मेरे पास डाउनलोड अपलोड कंटेंट्स की विंडो ओपन होगी। सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा और मैं अपनी कोर्स कंटेंट वाली फाइल कि जो टेम्पलेट मैंने डाउनलोड करके एडिट की थी उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। देन वैलिडेट पे क्लिक करूँगा और ये टेम्पलेट जो है वैलिडेट हो चुकी है, कोई भी एरर लोड सिस्टम में अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब मैं इस अपलोड के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरा डाटा जो है वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। सिंपल अब मैं इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो वीकली लेसन प्लान है वो अपडेट हो गया है। इन केस अगर आप सिर्फ किसी एक वीक में माइनर से चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल उस वीक पे क्लिक करें और देन आप यहाँ पे इसमें चेंजेस ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप ऐड एन आइटम करके यहाँ से अदर डोमेन ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपने डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिलीवरी मेथड या टॉपिक अगर चेंज करना है माइनर सा या जो भी चेंज है तो आप इस तरह से इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वीकली लेसन प्लान अपडेट हो चुका है। अब मैं सिंपल इसे सेव पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरे कोर्स पोर्टफोलियो के अंदर जाके वीकली लेसन प्लान अपडेट हो गया।
अब नेक्स्ट जब मैं क्लास प्लानिंग करूँगा मैं सिंपल वहाँ पे कोर्स कंटेंट कॉपी कोर्स कंटेंट करूँगा फ्रॉम पोर्टफोलियो, तो वो मेरे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे और फ्यूचर क्लासेस के लिए भी वो एप्लीकेबल रहेंगे। थैंक यू।